ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार देर शाम भयानक ट्रेन हादसा हो गया। इसमें करीब 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 900 से भी ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। इसी बीच दिन के उजाले में ये तस्वीरें जो आ रही हैं वो इस हादसे को बयां कर रही हैं। दरअसल शुक्रवार देर शाम बालासोर में तीन ट्रेनों के बीच हादसा हुआ। बहनागा स्टेशन के पास दो सवारी गाड़ी और एक माल गाड़ी में टक्कर हो गई। सबसे पहले बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट ट्रेन के कोच पटरी से उतर गए। इसी के तुरंत बाद दूसरी पटरी पर आई शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस इन डिब्बों से टकरा गई। इस ट्रेन के डिब्बे पलट गए। इसी के बाद तीसरे ट्रैक से गुजर रही मालगाड़ी भी इसकी चपेट में आ गई और वो भी दुर्घटना का शिकार हो गई। रात से लेकर सुबह तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ की दर्जनों टीम राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। वहीं मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रात में हुआ यह हादसा इतना भयंकर था कि ट्रेनों के डिब्बे पलटने के साथ एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए हैं। रेल की पटरी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है।